welcome back to our channel पढ़ाकू लो। My name is CS Payal Popli and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोनस शेयर्स के बारे में। ये होते क्या हैं, प्लस नॉर्मल शेयर से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इसी एक वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहां से वो ये पैसा कलेक्ट कर सकती है। इन सभी सोर्सेस में से एक सोर्स होता है शेयर्स इश्यू करके पैसा कलेक्ट करने का। अब ये शेयर्स की कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने के लिए तो आपको ये आई बटन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है कि शेयर्स होते क्या है। फिलहाल बोनस शेयर्स की कॉन्सेप्ट पे वापस आऊं तो जब कंपनी पैसे लेने के लिए शेयर्स इशू करती है तो कुछ लोग उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं और कंपनी को दे देते हैं बदले में पैसे। किस चीज के बदले में? शेयर्स के बदले में। जब ये लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो इनको एक फॉर्मल नाम मिल जाता है, दैट इज शेयर होल्डर्स का नाम। ये होते कौन है? ये कंपनी के ऑनर्स होते हैं। मालिक कैसे बने ये कंपनी के? भाई देखो, सिंपल सी बात है, कंपनी में इनका पैसा लगा हुआ है और जिस भी बिजनेस में आपका पैसा लगा होता है वहां का मालिकाना अधिकार तो आपके हाथ में आ ही जाता है। तो ऐसे पैसे कंट्रीब्यूट करके ये कंपनी के ऑनर्स बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और ज्यादा डिटेल में यहां देखिए वीडियो। अब ऐसे इमेजिन करिए कि कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा ले लिया, बढ़िया तरीके से बिजनेस चलाया, अच्छे से सारे काम करें, ऐसे में कंपनी को क्या होगा? ऑब्वियसली मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इस प्रॉफिट के साथ कंपनी क्या क्या कर सकती है? तो भाई देखो, कंपनी के पास होते हैं दो चॉइसेस। पहली चॉइस होती है कि इस प्रॉफिट को वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे और डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कि शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। और ज्यादा डिटेल में आई बटन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कंपनी के पास इस प्रॉफिट को लेके? दूसरा ऑप्शन होता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। ऐसे इमेजिन करिए, कंपनी एक गुल्लक बना लेती है अपने पास जिसमें ये प्रॉफिट जमा करती रहती है और इस गुल्लक को नाम दिया जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है ऐसी अर्निंग जिनको आप अपने पास रिटेन करके रख रहे हो, अपने पास संभाल के रख रहे हो, बांट नहीं रहे हो। तो प्रॉफिट के साथ ये दो ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, या तो उसे बांट दिया जाता है या उसे अपने पास सेव करके रख लिया जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में। अब कंपनी के पास जब ये गुल्लक भर जाती है तो उसको सोचना पड़ता है कि इस गुल्लक के साथ क्या किया जाए, इसका पैसा कहां एडजस्ट किया जाए। तो समटाइम्स कंपनीज क्या करती हैं, नए शेयर्स इश्यू करती हैं और अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स बांट देती हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कुछ भी पैसे नहीं लेती है इन शेयर्स के बदले में, इन शेयर होल्डर्स से वो। अब आप सोचेंगे कि मैम, जब शेयर्स इशू करते हैं तो हमेशा पैसे तो आते ही हैं कंपनी के पास, तो यहाँ पे फ्री में शेयर्स कैसे बांटे जा रहे हैं? तो बेटा यहां समझो, ये शेयर होल्डर से पैसे ना लेके जो ये रिटेन्ड अर्निंग्स में पुरानी सेविंग्स पड़ी थी ना, उस पैसे को इन शेयर्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाता है। तो अल्टीमेटली कंपनी के पास पैसे तो आ ही जाते हैं इन रिटेन्ड अर्निंग्स से, बस शेयर होल्डर्स को फ्री में नए शेयर्स मिल जाते हैं। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काइंड ऑफ बोनस बन जाता है क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नए शेयर्स मिल रहे हैं जिसके बदले में उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं देनी है। तो ये उस पोजीशन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब यहां पढ़ लें, जैसे बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब आप नए शेयर्स बांट देते हैं
एडिशनल शेयर्स दे देते हैं बिना उनसे पैसे लिए, तो ऐसे में हम बोलते हैं कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं। ये किस प्रपोर्शन में बढ़ते हैं? ये उनकी शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में बढ़ते हैं। मान लीजिए इस इंसान के पास 2 शेयर्स थे, इस इंसान के पास 1 शेयर था, तो अब नए शेयर्स जो आ रहे हैं बोनस शेयर्स, वो भी इसी प्रपोर्शन में इनके पास जाएंगे। These are the company's accumulated earnings that are converted into free shares rather than being distributed as dividends. ये क्या होती हैं? ये कंपनी की accumulated मतलब इकट्ठी की हुई earnings होती हैं, जिनको आपने free shares में convert कर दिया है, बदल दिया है, और आपने क्योंकि dividend नहीं बांटा था तभी आप earnings को accumulate कर पाए हैं। ठीक है, तो bonus shares क्या होते हैं? Bonus shares वो एडिशनल शेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं बिना पैसे उनसे लिए रिटर्न में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन्हें शेयर्स बांट रहे हैं, शेयर्स का भंडारा हो रहा है, यू कैन से। चलिए आज इस वीडियो को एंड करते हैं विद अ क्वेश्चन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राइट इश्यूज में और बोनस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है? That's it, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। That's it, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।